हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं अंडा बिरयानी की बहुत ही झटपट रेसिपी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 8 से 10 अंडे हमने बॉईल कर लिए हैं, उसको ऐसे फोर्क के साथ प्रिक कर लेंगे। चावल हमने लिया आधा किलो, इसको हम अच्छे से धो के 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगवा के रख देंगे। दो मीडियम से साइज़ प्याज हमने स्लाइस कर ली है। 2 से 3 छोटी प्याज हमने रफली काट के मिक्सर में डाली है। 2 टमाटर रफली कटे हुए, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काला ज़ीरा। इसको हमको कोसली पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा इस तरह से। सौंफ और ज़ीरे से अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। 4 से 5 चम्मच तेल लेंगे हम कढ़ाई में। 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, जावित्री का एक टुकड़ा। इसको एरोमेटिक हम होने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम स्लाइस्ड ऑनियंस। इसको हमको अच्छा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। प्याज हमारे अच्छे ब्राउन हो गए हैं, प्याज को हमको निकाल लेना है। प्याज में हमारे जो गरम मसाले के टुकड़े आ गए हैं उसको वापस डाल दीजिए उसमें। अब हमने जो मसाला पिसा हुआ था टमाटर और प्याज का दरदरा, उसको हम ऐड करेंगे। 1 टमाटर चॉप किया हुआ डालेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। बिरयानी का मसाला है शान का, आप कोई भी बिरयानी का मसाला ले सकते हैं। 1 चम्मच फ्लेवर के लिए डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉयल्ड आलू। छोटे साइज़ के आलू को हमने बॉयल कर लिया पहले से। 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 से इसको मिक्स कर लेंगे। ढक के इसको हमको 5 मिनट तक पकाना है। अब हम इसको दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्राइंग पैन रखेंगे गैस पे। इसमें हमने लिया है 2 चम्मच तेल। अंडों को हमने फ्राई करना है इसमें। गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं या नॉर्मल चिली पाउडर। अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 आलू, थोड़ा नमक। अब इनको हम गैस से हटा लेंगे। चावलों को बॉयल करने के लिए हमने लिया 1.5 लीटर पानी। इसमें डालेंगे हम 1 स्टार एनिस, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, थोड़ा नमक। बॉयल होने तक पकाएंगे। 1 हमारा बॉयल हो गया, इसमें ऐड करेंगे हम चावल जो हमने 1 घंटे पहले भिगो के रखे थे। चावलों को हमको ढक के तब तक पकाना है जब तक ये 80% तक डन ना हो जाए। देखिए
देखिए चावल हमारे अच्छे खासे हो चुके हैं, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब गैस पे हम फिर से वापस से रखेंगे मसाले वाली पतीली। मसाला हमारा बिल्कुल भुन गया, एकदम अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधे अपने अंडे। आधे अंडे की लेयर हम ऊपर लगाएंगे, थोड़ा मसाला भी हमने निकाल के रख लिया है। इस पर छिड़केंगे हम तली हुई प्याज, थोड़ी धनिया की पत्ती। अब इसमें हमको चावलों की लेयर लगानी है। थोड़ा इसमें यूज़ करेंगे हम फूड कलर। थोड़ा घी हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तली हुई प्याज जो हमने निकाली थी उसकी एक लेयर लगाएंगे। अब अंडों की तह लगाएंगे हम फिर से ऊपर से। ये अंडा बिरयानी की बहुत ही इजी, बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही टेस्टी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंडों को हमने हाफ में काट लिया है, आप चाहें तो सभी अंडों को ऐसे ही काट सकते हैं। ढक के इसको हमको 10 से 15 मिनट तक पकाना है स्लो आँच पर। उतने में हमारे चावल हो जाएंगे। बहुत ही एरोमेटिक, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।